subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Marula Classes. हेलो बच्चों, मैं अमित कटियार आज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में उसके क्वेश्चंस कराएंगे और इंपॉर्टेंट एग्जाम भी है निमसेट। निमसेट में आए हुए क्वेश्चंस डिफरेंसिबिलिटी, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी, ये ऐसा टॉपिक है कैलकुलस में, ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। क्यों है डिमांडिंग? टॉपिक की डिमांड क्यों होती है? जब आपको कन्फ्यूजन बढ़ता है, तो जब भी आप बात करेंगे तो कैलकुलस में डिफरेंसिबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। तो उसी को देखते हुए आज निमसेट के एग्जाम को देखते हुए और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम 2018 को देखते हुए आज का डिस्कशन इसी पर आधारित रहेगा और सारे क्वेश्चन हम लास्ट तक बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। इस सेशन को बिल्कुल भी आप जाया मत करिए, अपने सेशन को लास्ट तक पहुंचाइए और आपको वाकई में उम्दा ट्रिक्स मिलने वाली है। तो 2018 का पेपर थोड़ा सा टफ, जब ये रिव्यूज था मैंने खुद देखा है कि बताया जाता है कि पेपर टफ था। टफ इसलिए था कि क्वेश्चंस बाकी में थोड़ा सा आपको सॉल्व करना पड़ रहा था, तो ऐसा ना हो कि एग्जाम में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस की आदत पड़ जाए। तो ऐसे ही क्वेश्चन, एक ऐसे क्वेश्चन को लेते हैं, सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन वन प्लस मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल। इंटरवल आपके सामने है, क्या ए ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से वन माइनस वन और यूनियन वन टू इन्फिनिटी है, बी ऑप्शन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, सी ऑप्शन है जीरो टू इन्फिनिटी एंड डी ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी जीरो यूनियन जीरो टू इन्फिनिटी। तो ये ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही बनेगा? तो देखिए, कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए आप यहाँ पे तुक्का नहीं मार सकते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कैलकुलस में खासकर। अब आप सारे इंटरवल्स को अब रट मारें तो ऐसा हो भी नहीं सकता है। हो सकता है कि यहाँ पर टू कर दे, थ्री कर दे, तो कैलकुलस में ऐसा प्रेडिक्शन नहीं होता है। फिर भी आप ट्राई करें और आंसर दीजिए, हाजिर हैं सॉल्यूशन के साथ। चलिए सॉल्यूशन पर बढ़ते हैं। अगर आप आंसर को प्रेडिक्ट कर पाएँ तो अच्छी बात, नहीं कर पाए तो लास्ट तक बने रहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फंक्शन में कुछ भी ऐसा क्लिष्ट बात या टिपिकल बात नहीं, केवल मॉड से आप हेजिटेट हो सकते हैं। तो मॉड का डेफिनेशन होता ही है कि जीरो से बड़े के लिए एक्स और जीरो छोटे के लिए माइनस एक्स। इतनी बात आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लें। वही हमने चीज़ यहाँ पे लिखी है कि एक्स जीरो से बड़े के लिए, फंक्शन में केवल हमने यहाँ पर देखे मॉड की जगह ही चेंज किया है और जीरो छोटे के लिए ये किया है। इतनी बात कर ले गए, ना ही हम लिमिट की कोई डेफिनेशन लगाने वाले हैं, ना ही कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लगाने वाले, ना ही कोई डिफरेंसिबिलिटी, ऐसा कुछ भी टिपिकल काम नहीं करने वाले हैं जो लिमिट एस टेंड्स टू जीरो आप पढ़ा करते थे। सिंपल, अब आप ध्यान देखिए कि हम लोग डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, जीरो से बड़े के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे। तो जीरो से बड़े के लिए एक्स अपॉन वन प्लस एक्स है। अब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाइज फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसा होता है जरा एक बार देखें। डिनोमिनेटर मतलब नीचे की चीज़ का स्क्वायर करते हैं और नीचे वाली चीज़ को एक बार ऐसे लिखेंगे, ऊपर वाले फंक्शन उसका डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा वन माइनस, अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हो जाएगा वन और ये वाला छोड़ देंगे, ये आ गया अपना डिफरेंशिएशन। अब देखिए, ये इससे कट गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन हर जगह, ये हर फंक्शन हर जगह डिफाइन है, कहीं भी ऐसा नहीं है जो डिफाइन नहीं, क्योंकि हमने जीरो पर देखा था। तो जीरो पे आप रख के देखिए, मतलब ये एफ डेस एक्स आ गया तो एफ डेस जीरो रखेंगे तो वन अपॉन वन प्लस जीरो का होल स्क्वायर, तो आंसर बनाया। अब हम लेफ्ट में भी चेक कर लें जरा, लेफ्ट मतलब जीरो के छोटे के लिए, जीरो के छोटे के लिए फंक्शन क्या है, एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब इसका भी डिफरेंशिएशन करिए, बस डिफरेंशिएशन करना है, वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको हम छोड़ेंगे तो वन माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन वन माइनस, अब इसको करेंगे तो माइनस वन होगा और इसका डिफरेंशिएशन इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, देखिए ये प्लस एक्स हो जाएगा और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो ये भी इस बार भी कैंसिल, तो वन अपॉन वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमें जीरो पे, कि जीरो से बड़े और जीरो छोटे के लिए देखना है, तो एफ डी एस जीरो हम लोग देखेंगे तो ये भी बना जाएगा। तो लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएशन जीरो पे बराबर है, वन है, यानी कि जीरो पे थोड़ा डाउट था तो जीरो पे भी डाउट हटा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक डिफरेंसिबल है। और एक बात आप जान लें कि फंक्शन को अगर आपने प्रूव कर दिया कि डिफरेंसिबिलिटी है, डिफरेंसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, तो कॉन्टिन्यूटी और लिमिट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमेशा डिफरेंसिबल है, हमेशा लिमिट एग्जिस्ट करेगी और हर जगह कॉन्टिन्यूटी भी होगी। तो आप फटाफट क्या करना है, स्मार्ट तरीके से आपको क्या करना है, मॉड कोड खोलना था और डिफरेंशिएशन जीरो से बड़े के लिए और जीरो छोटे के लिए करना था और जीरो आपको पुट करना था। आगे ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। जरा बोर्ड पे एक बार नज़र डालिए, ऐसा छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटी सी बात याद आती है कि देखने में छोटे लगे तो आप जानते होंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने दो तीन जगह देखा है, निमसेट 2018 में देखा गया कि ये क्वेश्चन का लोग आंसर नहीं कर पाए।
समझ नहीं पाए कि ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन डी होगा, एक बार आप भी जरा ट्राई करिए। आंसर अगर निकलता है तो अच्छी बात है, कमेंट्स करिए। नहीं निकले तो आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करें मावला क्लासेस के साथ साथ। चलिए, तो एक बार क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर था, ऑप्शंस आप एक बार टैली कर लें। अब देखें आंसर्स की मिलान की बारी आती है कि किस तरीके से इसका आंसर इसका टैली करेंगे और किस तरीके से इसको करना है। देखिए देखो, डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर को हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी वाई, फिर अगेन, मतलब ये दो बार हुआ, डी अपॉन डी वाई एक्स, ओके। तब ये डी टू एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर लिखा गया, तो डी अपॉन डी वाई एक्स का, तो इस एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में दो बार डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह क्या कर दिया डी एक्स, तो अब डी एक्स किया तो डी एक्स ऊपर बैलेंस करना पड़ेगा, और इस डी एक्स यहाँ पर डी वाई था तो डी वाई हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। ये बात बराबर, क्योंकि अभी कैंसिल कर सकते हैं, और अंदर अभी देखिए इतनी ही चीज़ को मैंने छेड़ा है, मतलब ये हटाएं तो अभी इतना ही है, अंदर का पार्ट अभी कुछ भी नहीं किया है, अंदर अभी ऐसे ही है, गॉट इट, ठीक है। इतना अभी हमने किया था, अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, डी अपॉन डी एक्स ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई को इसको लिख सकते हैं हम लोग डी वाई वाई डी एक्स की पावर माइनस, ठीक है। इसको मतलब रिवर्स कर दिया, एक्स को हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस, ठीक। इतनी बात आ गई। अब ये है डी एक्स अपॉन डी वाई, इसका अगर डिफ्रेंसिएशन इस वाली टर्म का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये भी लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस वन, तो एक ये माइनस वन और ये माइनस टू, तो क्या आया, माइनस टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की पावर माइनस थ्री डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ज़रा ध्यान दीजिए, तो आपको थोड़ा सा ऑर्डर चेंज दिखाई पड़ेगा, डी आंसर से हम मैच खाते हैं। एक बार आप इत्मीनान से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें, ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम में आप अपने ही धुन में उलझ जाएं और बाहर ना निकल पाएं, और निकलें तो फ्रस्ट्रेशन से निकलें, तब तक आपका मूड ख़राब हो चुका हो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर एक्स प्लस मॉड एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। देखिए मॉड, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऐसे फंक्शंस लगाए जाते हैं, और कॉन्टीन्यूटी और डिफ्रेंसिबिलिटी के जब भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक ऑटोमेटिक एग्जाम में डर लगने लगता है। ऑप्शन है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस जीरो, ओनली एक्स जीरो से बड़ा हो, और नो वैल्यू ऑफ एक्स। सुटेबल आंसर्स जो भी हो, आप एक प्रयास करिए, ट्राई करिए, अभी हाजिर होते हैं आंसर्स के साथ। तो देखिए जब भी मॉड आए तो आपको पूरा पूरा अपना कॉन्सेंट्रेशन मॉड पे रख देना है, मॉड को ओपन करना, एग्जीक्यूट करना। तो मॉड एक्स जब आपको सिखाया गया था, जब जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो, तो आप प्यार से मॉड एक्स की जगह एक्स रख दीजिए। और अगर जीरो से छोटा हो, निगेटिव हो, तो आपको मॉड एक्स की जगह माइनस एक्स रखना है। इतनी बात आई। अब ये देखिए क्या हो गया, जीरो, और ये क्या हो गया, टू एक्स। कुछ भी ना करें, ना ही एल एच एल, ना ही आर एच एल, ना ही कुछ करें, y बराबर टू एक्स का मतलब है एक ऐसी लाइन रेखा चली जा रही है पॉजिटिव के लिए, और y बराबर जीरो का मतलब है ये रेखा यानी x एक्सिस चली जा रही है। तो माइनस इन्फिनिटी से रेखा चलती चली जाए और चलती जाएगी, तो माइनस इन्फिनिटी से आगे तक चलती जाएगी, कहाँ तक चलती जाएगी, और वो जाएगी तो यहाँ तक जाएगी। आप समझ गए कि नहीं? हाँ, आगे बढ़िए। अरे भाई समझ तो गए होंगे, कॉन्टीन्यूटी का मतलब होता है कि अगर आप कोई ग्राफ बनाते हैं, और जैसे मैंने इसका ग्राफ बनाना है, तो वाई बराबर जीरो है, तो वाई बराबर जीरो मतलब एक्स एक्सिस, तो निगेटिव के लिए भाई देखिए मैंने अब यहाँ शुरू करेंगे, मार्कर अगर मेरा उठा तो डिसकॉन्टीन्यू, मार्कर नहीं उठा तो कॉन्टिन्यू। अब समझ जाना आप, वाई बराबर जीरो चलते जा रहे हैं, और फिर वाई बराबर टू एक्स, तो ये देखिए तो कहीं पर भी उठ नहीं रहा है। बाकी आपको चेक करना हो तो एफ ऑफ जीरो मतलब कॉन्टीन्यूटी जीरो पर चेक करें, एफ ऑफ जीरो में आप रखेंगे तो जीरो आ जाएगा। एल एच एल चेक करेंगे, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस एच, तो लेफ्ट में वैल्यू क्या है, जीरो आ गई। आर एच एल चेक करेंगे, एफ ऑफ जीरो जीरो प्लस एच, अब फंक्शन में क्या है, टू एक्स है, तो आप लिमिट एस चेंज जीरो और टू इंटू जीरो प्लस एच करोगे तब भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो एल एच एल
RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन अगर जब बराबर होते हैं तो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है। तो मतलब हर एक पॉइंट के लिए, हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है। ग्राफ से भी देखा तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मॉड को एग्जीक्यूट करें। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले क्या करें, फंक्शंस को सिंप्लीफाई करें, बात को ना बढ़ाते हुए आगे बढ़ें, काम की बात करें और क्वेश्चंस को डिस्कस करें। चलिए इस वाले क्वेश्चंस को आप ट्राई ना करें, मैं ही डिस्कस कर लेता हूं। और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मिल गए जहाँ पर लोगों को ये था कि पेपर बहुत टफ आ रहा, और इस तरीके के क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा। तो इस वाले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पर रखेंगे लिमिट को पहले अप्लाई। कभी भी लिमिट दी गई हो अप्लाई करिए, अंदाज़ा मत मारिए। ए अपॉन इन्फिनिटी जीरो, बी अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो वन प्लस जीरो वन, वन की पावर इन्फिनिटी। तो ये वन की पावर इन्फिनिटी दिया गया है, इसकी वैल्यू ई स्क्वायर दिए गए, तो ए और बी की वैल्यू बतानी है। रटे डेटा क्वेश्चन होता है। एक बार हम पास क्या करेंगे, ई लिखते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, वन के अलावा जो पार्ट होता है ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार इसको इससे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर जब यहाँ जाएगी तो कट जाएगा, और यहाँ जाएगी तो ये एक्स हो जाएगा। अब जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ई की पावर, देखिए ये तो कट चुका है, तो ये टू ए आ गया, और ये बी अपॉन समथिंग ज़ीरो बराबर दिया गया ई स्क्वायर। तो देखिए टू ए बराबर कितना आ गया, टू आ गया, तो ए बराबर वन आ गया। ए बराबर वन कहाँ पर है, ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये है और ये है। अब देखिए बी तो बचा नहीं, तो बी है नहीं, तो बी यानी बी एनी रियल। चलिए एक क्वेश्चन लिमिट कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी का नहीं है, इंटीग्रेशन का सिंबल बना हुआ है, बट इंटीग्रेशन का भी है नहीं, फंक्शन का है। और मुझे अब याद आ रहा है कि जिन्होंने ये रिव्यू दिया था कि पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया, पेपर बहुत टफ आया। अगर आप इस बार मिल जाए, पांच क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए कैलकुलस के, एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि पेपर टफ था अभी इस सेक्शन के। क्यों, क्योंकि आप कोई भी बुक उठाएंगे, आर डी शर्मा या कोई भी बुक आप उठा लीजिए, ये क्वेश्चन उतराते हुए दिखाई पड़ते हैं। मतलब आपको उन 100-200 क्वेश्चंस में सबसे ऊपर दिखाई पड़ेंगे कि ये क्वेश्चंस लगाने, वो खुद कहते हैं कि मुझे लगाइए, ठीक है, ऐसा लग रहा है। पांच क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए, चार पांच क्वेश्चन मुझे और दिख रहे हैं, मगर मैंने टॉपिक का नाम रखा था लिमिट कॉन्टीन्यूटी डिफ्रेंसिबिलिटी। तो वो कैलकुलस के क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने का मन तो कर रहा है, बट इसलिए नहीं कर सकता कि आप अभी, मैं इसी टॉपिक पर रिजल्ट रहूंगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आए तो आप कमेंट करेंगे तो मैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। और 10 क्वेश्चंस ऐसे आए थे कैलकुलस को, और 10 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 होता है। और मैंने बोला ही है कि अगर आप 200 क्वेश्चंस, मतलब 200 नंबर टोटलिंग अगर आप मैथ्स में ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यू आर अ सफर। अगर आप 200 प्लस लाएंगे तो बाकी 150 नंबर तो आप अरेंज कर ही लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। तो एक बार आप नज़र डालें, जब भी इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो ऑड इवन जरूर चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो ये फंक्शन आप यहाँ रखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स। अगर ऑड फंक्शन चेक करना चाहते हैं तो एक बार हम आपको दिखा भी देते हैं। अब x की जगह हमेशा क्या रखते हैं, बहुत ही रटी रटाई डेफिनेशन है कि आप x की जगह माइनस एक्स रखिए। साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा पावर ऑड है, तो माइनस साइन पावर 5x होगा, और ये माइनस साइन की पावर 3x हो जाएगा, क्यूब एक्स हो जाएगा, माइनस बाहर आ गया, साइन पावर 5x और प्लस साइन क्यूब एक्स। कहने का मतलब अगर f ऑफ x और प्लस f ऑफ माइनस x करें तो जीरो हो जाता, क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पर ये फंक्शन, उसको अगर आप केयर नहीं भी करें, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये तो हो गया जीरो, जीरो इंटू समथिंग, कुछ भी लिमिट हो, आंसर क्या मिलेगा आपको, जीरो। बताइए स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इतने बड़े रूप में, मतलब ऐसे उसको प्रेजेंट किया कि अगर आप कभी कैलकुलस उठा के देखोगे नहीं, कभी आप इस बात से डरे रहेंगे कि भाई कैलकुलस लिमिट मुझे नहीं आ रही है, डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्टीन्यूटी पढ़ाई नहीं गई, इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया अंडर हमें कर्व आता नहीं है, टीचर ने सही पढ़ाया नहीं, कोचिंग में सही पढ़ाया गया नहीं, कहाँ पढ़ें, जहाँ भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर, अगर यूट्यूब पर पढ़ते हैं तो टफ रहता है, अरे कहीं ना कहीं आपको बढ़ना ही पड़ेगा। इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, ये चैनल नहीं, अगर आप सर्च करें तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में प्रयास कर रहे हैं, मगर अभी भी जो टॉपिक टफ थे वो टफ ही रहे। क्यों टफ रहे, कहीं ना कहीं आपकी क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ पाई, क्यूरियोसिटी आप इस बार के नहीं ले पाए कि जिन्होंने इतना मेहनत किया है, हम मेहनत से दे रहे हैं तो आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, आप ऐसे टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, ऐसी चीज़ों को देखना चाहते हैं जिनमें आपको कहीं दिमाग न लगाना पड़े। अगर मैथ के छात्र हैं, अगर मैथमेटिक्स आपका पार्ट है तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन आपको करना ही होगा, टीचर आपको, आप तक वो क्वेश्चन प्रेजेंट करेगा, कैलकुलेशन आपका पार्ट है। तो मेरे उद्देश्य को और मेरी चीज़ों को आप तभी कर पाएंगे जब आप कैलकुलेशन के लिए आगे बढ़ेंगे। निम सेट 2018 बोला जाता है बहुत पेपर टफ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा पेपर टफ इसलिए नहीं कह सकते हैं
कि सारे क्वेश्चंस को बस करना था, थोड़ा समझना था, तो आप प्रैक्टिस करिए। अगर इस मंथ में भी आप सही तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो अगर पेपर इस लेवल पे भी आया तो आसानी से अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर ना लेके और बहुत ही कूल तरीके से आपके नंबर्स इतने आएंगे कि आपको अच्छा कॉलेज मिल सकता है। मावला क्लासेस के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जैसा कि टेस्ट सीरीज़, आप अपने आप को जज करिए, इवेल्युएट करिए, बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अगर आप उससे अवेयर हैं तो वहाँ टेस्ट देते रहें। www.mawlaonlinetest.com पे जाके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट दीजिए। रेगुलरली हम लोग अपलोड कर रहे हैं, आस्क मावला ऐप है, डाउनलोड कर लिए, देखिए वहाँ पे फीचर्स क्या हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा है, अपने आप प्रॉब्लम्स को पोस्ट कर सकते हैं, क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। अनअकैडमी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि कोई भी टॉपिक कोई भी कोर्स में आपको समस्या आ रही है तो बेसिक फाउंडेशन से आप आगे बढ़ेंगे, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप उस ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ पर एज ए मेंटर अमित कटियार को सर्च करेंगे, आपको मैं पढ़ता हूँ दिखाई पड़ूंगा। आगे और बात ना बढ़ाते हुए आपको लिंक दिख रहा होगा, वहाँ पर आप नोटिफिकेशन के लिए वेबसाइट है और ये चैनल खुद ऐसा है जिससे आप चीज़ों को पढ़ सकते हैं। मगर हम एक बात ज़रूर बोलेंगे, एग्ज़ाम अगर आ रहे हैं, एग्ज़ाम में आप खुद कॉन्सेंट्रेट हैं, सही से पढ़ पा रहे हैं, तो सही से पढ़ाई करते रहें। ये सारी चीज़ें इसलिए हैं कि जब आप परेशानी में हों, जब आपको लगता है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तभी आप करिए। अधूरे मन से बिल्कुल ना करें, वीडियोस या कोई भी कंटेंट अधूरे मन से बिल्कुल ना देखें। जब भी आप वीडियोस पढ़ें, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं देखता हूँ, देखना नहीं है आपको, जब भी आप कंटेंट में डालता हूँ तो आप पढ़ने के उद्देश्य से पेपर और कॉपी अपने अंदर एक डिसिप्लिनरी मेंटेन करके क्वेश्चन को साथ साथ लगाएं और कमेंट्स करने का प्रयास इसलिए करें कि जिससे कि हमें भी पता चल पाए कि आप लास्ट तक पहुँचे तो आपने प्रयास किया था। इसी उद्देश्य और इसी हमारे मैसेज को आप एक की पॉइंट्स मानेंगे और इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। इसी आशा और भरोसे के साथ मैं अपनी बात को आप तक पहुँचाता हूँ, आप फॉलो करते रहेंगे, आपके रिव्यूज़ आपका फीडबैक मैं इस तरीके से मानूंगा कि वो डिमांड है, आपकी रिक्वेस्ट है, आग्रह है और उसके लिए काम करते रहेंगे। दोनों की भावनाएं जुड़ी रहेंगी और मावला क्लासेस का ये चैनल बढ़ता रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।